स्कूल नंबर 99 के एक्स स्टूडेंट अब्दुल रहमान पठान को CTET एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में 76% से क्वालिफाई करने पर डॉक्टर बुशरा सैयद हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट BNCMC के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CRC 11 पठान अबरार महमूद खान के मार्गदर्शन और स्कूल नंबर 99 के शिक्षक और छात्रों की मदद से एक इंटर स्कूल साइंस क्विज कंपटीशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 38 स्कूल के छात्रों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम में महानगर पालिका स्कूल के टीचर्स एक्स कॉरपोरेटर जाकिर मिर्जा, CRC शोएब मोमिन और भिवंडी कॉरपोरेशन आरोग्य विभाग से डॉक्टर बुशरा मैडम भी शामिल थे। देखिए इस वीडियो में किस तरह से छात्रों ने पूरी तैयारी के साथ इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया और सवालों के पूरे होते ही उनका आंसर रेडी रहा। स्कूल नंबर 99 के एक्स स्टूडेंट अब्दुल रहमान पठान को CTET एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में 76% से क्वालिफाई करने पर कॉरपोरेशन आरोग्य विभाग की हेड डॉक्टर बुशरा सैयद के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम की विजेता स्कूल नंबर 81 और दूसरे पायदान पर स्कूल नंबर 101 रही। बच्चों की तैयारियों को देखते हुए भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आरोग्य विभाग से डॉक्टर बुशरा ने और एक्स कॉरपोरेटर जाकिर मिर्जा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो कि बगल मुशाहिदा कीजिए आप बोलिए अमीबा ये शक्ल है अमीबा की और इसे पहचानना मुश्किल इसलिए क्योंकि शक्ल बदलते रहते हैं। किसी सवाल है बदल में इस जमीन के अपराध एक चक्कर पूरा करने के लिए चांद पर कितने दिन बता रहे तो बोलिए 27.3 दिन देखते हैं कि आप सही है या गलत। 4.81 ये सब पर है और स्कूल का एक तो एक की जो टीम है वो है दो नंबर पर है उनके लिए भी दो का ताले बजेगा। जकिया मैडम ने जो एक इनिशिएटिव लिया है और जो उनके सारे टीचर्स ने साथ दिया और CRC 11 की भी मैं बहुत बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि एक बेहतरीन टीम वर्क था जिसमें एक टीम लीडर ने बहुत अच्छी तरह से अपना जिम्मेदारी निभाई और सारे टीम वर्कर ने और बहुत अच्छे से बच्चों को सारे बच्चे जो जीते हैं वो भी और जो नहीं जीते जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इतना कॉन्फिडेंस उनमें था कि हमको दिख रहा है कि उसमें बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर आज से हमको दिख रहे हैं इंशाल्लाह आगे जरूर वो कामयाब होंगे। और इतना अच्छा प्रोग्राम में काफी देर से बैठी हुई मुझे लगा मैं आके आधे घंटे के बाद चली जाऊंगी लेकिन इतना अच्छे से प्रोग्राम मैनेज किए हालांकि ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का जो उनवान था साइंस की इसमें जो बच्चों से सवाल पूछे गए और बच्चों ने जवाब दिया मैं समझता हूँ इसमें हमारे टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है और जो टीचर हमारे नगर पालिका के टीचर है और जो बच्चे हमारे नगर पालिका के वो बिल्कुल भी एहसास है कमजोरी का शिकार ना हो कि आप नगर पालिका के स्कूल में पढ़ते पिछले 25-30 साल से हमारे स्कूल में बहुत ही खस्ता हालत में थी और जो आज के आप जो तुम्हारे टीचर है ये टीचर ऐसे टीचर है स्कूल में जो भी कमी है ये हम जैसे सियासतदान तक पहुँचाते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो स्कूल में हम सरकार की तरफ से इस स्कूल का पूरा तावन करें और स्कूल की जो कमी है वो कमी को पूरी करें। मैं मेरी तरफ से उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस सवाल में पार्टिसिपेट करें जो एक नंबर आए दो नंबर आए तीन नंबर आए नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। मैं टीचरों का फिर से एक बार NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं की ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा ही 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरा के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर फर्स्ट फ्लोर अबाउ एक्सिस बैंक ATM दरगाह रोड भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है।
एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।